जो जिसका काम था क्लैप बजाना। अब मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जब भी मैं कहूं कि राज भैया चलो उठ के क्लैप बजाओ, तो ये लड़का पहले अपने बालों में कंघी करता था और फिर जाके अपने आप को कंपोज करके शॉर्ट में वो बड़ी शान से क्लैप बजाया करता था। एक दिन हम गोरबंदर पे शूटिंग कर रहे थे और सनसेट के अगेंस्ट एक शॉट लेने का था। मैंने इसे कहा कि देख बेटे, अगर ये शॉट हम आज नहीं ले पाए तो कल फिर 40 मील इधर आना पड़ेगा, सारा दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो आज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज आप बालों में कंघी नहीं करना। हाँ हाँ पापा जी, नहीं करूँगा। इतने में एक्टर के वो दाढ़ी वाड़ी लग गई, वो उसने कहा जी मैं रेडी हूँ। तो मैंने इशारे से कहा राज से कि जाओ क्लैप बजाओ। इसने फिर कंघी की, ध्यान इसका उधर अपनी तरफ, फिर जाके फेस अपना कंपोज किया, ख्याल ही नहीं किया कि एक्टर किधर है। और जब क्लैप ऐसे खोली और बंद करने गया तो उसकी दाढ़ी हवा से उड़ के क्लैप में आ गई और उस क्लैप बंद की और उसकी दाढ़ी लेके ये चला गया। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये लड़का अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहता है और मैं इसको बिहाइंड द कैमरा की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। चनाचे सवेरे सवेरे मैं अपने ऑफिस में गया, एक हीरो का कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया अपनी पिक्चर जो मैं बना रहा था नेक्स्ट नील कमल, और एक बहुत अच्छी खासी रकम का चेक भी लिखा। और जब ये आया तो मैंने कहा जरा मेरे ऑफिस में चलो। बोला नहीं आप फिर मारेंगे। मैंने कहा नहीं मारूंगा नहीं, तेरे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ है। मैं उसे अंदर ले गया, उसे चेक दिया और कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। वो पढ़ के बच्चा रोने लगा। मैंने कहा कल तो तू रोया नहीं जब मैंने मारा था। तो बोला अग्रेशन से इतना आदमी नहीं रोता जितना काइंडनेस से उसकी आंख में आंसू आ जाते। तो 10 मिनट में फिर बच्चा था ना ये भूल भी गया और मुझे कहने का फिर मुझे हीरोइन कौन सी लेके देंगे। मैंने कहा जो तू चाहेगा वही ले दूंगा। बोले फिर मधुबाला के लिए क्या ख्याल है। मैंने कहा मेरा क्या ख्याल है, तू वहां कर मैं उसे ले आऊंगा। तो बोला मधुबाला ले लीजिएगा। चलाते वो फिल्म बनाई मैंने नीलकमल, जिसमें राज पहली बार हीरो आए। नीलकमल के बाद राज कपूर तो बहुत बड़ा हीरो हो गया और इसने फिर मेरी फिल्म बाबरीनंद में भी काम किया था।